हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है हमारी क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द यूनिट नेम इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरी तरह कम्प्लीट करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लास एक्सरसाइज 2.6 के जो 5 क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड। कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स दी हुई हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया है 0.2 मल्टीप्लाई 6 मीन्स एक आपको जो टर्म दी है, जो वैल्यू दी है वो डेसिमल्स में दी है और दूसरी जो वैल्यू दी है वो बिना डेसिमल के दी है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो देखिए, जो डेसिमल वाला जो नंबर होगा उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, डेसिमल के राइट हैंड साइड में आपने नंबर को लिख लेना है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 को लिख लेंगे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय। अब देखेंगे पॉइंट हमारा कहां पे है, तो यहां पे हमारा पॉइंट है, पॉइंट के लिए लिख लेंगे हम 1। अब पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, पॉइंट के आगे हमारा एक ही डिजिट आ रहा है, वो कौन सा है, 2। तो एक डिजिट है तो हम यहाँ पे नंबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0, मीन्स एक डिजिट के लिए हम एक 0 का यूज करेंगे। अगर 2 डिजिट्स होते तो 2 जीरोज लगने थे, अगर 3 होते तो 3 जीरोज लगने थे। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई क्या, 2/10 मल्टीप्लाई 6 के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 और 6 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमिरेटर में जो नंबर है दोनों, तो 6 × 12/10। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 12/10 को क्या करेंगे, अब देखिए नीचे हमारी वैल्यू जो है वो 10, 100, 1000 अगर इस तरह से रहेगी डिनोमिनेटर में, तो देखिए नीचे में जीरो कितने हैं, एक जीरो है। तो ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उसका एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो एक जीरो है तो मीन्स 2 को छोड़ के पॉइंट लग गया और यहाँ पे 1.2 आ जाएगा। तो मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.2। और दो तीन क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 8 × 4.6। अब देखिए 8 वैसे का वैसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 4.6 दिया है, तो क्या करेंगे 46 लिख लेंगे इसको पूरा, डेसिमल इसमें नहीं लगाएंगे। अब डेसिमल का क्या कर देंगे, नीचे हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज आएंगी वो नीचे लिखेंगे। जैसे पॉइंट के लिए लिख लेंगे 1, डेसिमल के लिए क्या लिखते हैं 1। अब डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं ये देखने हैं हम, डेसिमल के आगे हमारे पास एक ही डिजिट है, यो क्या है 6 है। तो एक डिजिट के लिए क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। अब देखिए इक्वल टू 46 × 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 46 × 8 को मल्टीप्लाई करेंगे × 8/10, तो 46 × 8 की मल्टीप्लीकेशन जो आएगी वो आएगी हमारी 368/10। अब नीचे 10 है, 10 में कितने जीरोज हैं, एक जीरो है। तो ऊपर में जो हमारी न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर है 368, उसके राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो कैसे, एक डिजिट क्यों छोड़ा, क्योंकि नीचे में 10 है, 10 मींस एक ही जीरो यहां पे लगा हुआ है, 10 में जो जीरो होता है वो एक ही होता है, इसलिए हम ऊपर में एक ही डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं और आगे जो वैल्यूज होती है वो वैसे की वैसे लिख देते हैं। 36.8 हमारा इसका आंसर आ गया। और करते हैं कुछ पार्ट्स, जैसे थर्ड पार्ट दिया है 2.71 × 5। इसका सलूशन देखिए 2.71, तो पहले तो सीधे सीधे वैल्यूज लिख लेंगे 271, पॉइंट डेसिमल को हम भूल जाएंगे यहाँ पे। अब जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट देखिए, पॉइंट के लिए लग जाएगा 1, जो डेसिमल है हमारा उसके लिए क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब डेसिमल के आगे हमारे कितने डिजिट हैं, तो देखिए 7 जो है वो एक डिजिट आ गया, ये 1 जो है वो दूसरा डिजिट आ गया, मींस कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 जीरोस लगा देंगे। तो 271/100 हमारी फ्रैक्शन बन गई मल्टीप्लाई 5। अब इसको कैसे करेंगे, 271 मल्टीप्लाई 5/100। ऑलराइट,
अब 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1355 अपॉन 100। अब देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कितने जीरो हैं नीचे डिनोमिनेटर में, टू जीरोज हैं तो टू डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये टू डिजिट मैंने छोड़ दिए, 55 जो है वो दो डिजिट है इसको छोड़ के पॉइंट लग गया और आगे 13.55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तीन पार्ट थे, इसके आगे करते हैं फोर्थ पार्ट। हम फोर्थ पार्ट क्या है दिया हुआ, फोर्थ पार्ट है 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, 201 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर है उसको वैसे का वैसा लिख लेना है डिवाइडर बाय, पॉइंट के लिए 1 लग जाएगा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो 10 मींस 10 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 201 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10 के साथ इक्वल टू 201 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 804 के बराबर आएगा अपॉन 10। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 10 में कितने जीरो आते हैं, एक ही जीरो आता है तो मींस एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 80.4 हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट दिया है 0.05 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसमें इसको किस तरह से लिखेंगे, अब जो इस साइड में जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके जीरोज होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम सीधा 5 का 5 ही लिख लेंगे अपॉन पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, टू डिजिट्स हैं तो दो जीरोज आ जाएंगे। अब 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 0 भी लगाता तब भी ये 5 ही काउंट होता, इसको हम ये कोई नंबर नहीं बनता है, ये इसको हम 5 ही काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई इसको 7 के साथ कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100, 75 जा 35 अपॉन 100। अब नीचे कितने हमारे जीरोज हैं, टू जीरोज हैं तो दो डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा 35 यहाँ पे और दो डिजिट छोड़ दिए 35 और 0.35 इसका आंसर आ गया। ये हमारे हो गए, हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। इसी के आगे है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है 211.02 मल्टीप्लाई 4। इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, 211.02 अपॉन पूरा नंबर लिख लेंगे, अब देखिए डेसिमल जहां पर लगा है उसके लिए 1 और डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स तो दो जीरो मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 21102 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। तो 21102 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 84408 अपॉन 100। ठीक है, कितने जीरोज हैं 100 में, दो जीरोज तो दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 844.08 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट, आगे जो चार पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल क्या होते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप है। अब रेक्टेंगल में ये जो साइड होती है ये हमारी लेंथ कहलाती है, तो लेंथ LENGTH ये हमारी लेंथ होती है और ये वाली जो साइड होती है जिसके क्या कहलाती है ब्रेथ। अब लेंथ जो हमें दी है वो कितनी दी है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की। अगर ये 5.7 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली साइड भी कितनी होगी 5.7 सेंटीमीटर क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं आमने सामने वाली जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे पहले हम जो गिवन दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो दी है आपको क्वेश्चन में वो कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है
5.7 मल्टीप्लाई ब्रेड कितनी है 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5.7 है, इसको डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 57 अपॉन पॉइंट का क्या लग जाएगा 1, और पॉइंट के आगे कितने डेसिमल हैं, कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो 0 मल्टीप्लाई 3। तो 57 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10, तो 57 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 171 अपॉन 10। अब नीचे एक ही जीरो है तो ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो एरिया आता है वो हमारा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स इज 12.5 सेंटीमीटर। पीछे हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, इसमें हम करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है, मीन चारों साइड्स जिसकी एक जैसी होती हैं। तो साइड क्या दी है 12.5 सेंटीमीटर, सभी साइडें क्या होंगी 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं 12.5 सेंटीमीटर, एंड ये साइड भी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया है साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर जो दिया है क्वेश्चन के अंदर वो कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। तो साइड कितनी दी है 12.5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है अगर ऊपर ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यू है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो इट मीन्स 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 ये हमारा आएगा। अब देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को, 125 अपॉन पॉइंट का लग जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो 10। इसका भी सेम 125 अपॉन 10। अब देखिए 125 मल्टीप्लाई 125 अपॉन नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 125 जो है वो बन जाएगा आपका 15625, ठीक है 25 तक ही रहेगा ये अपॉन 100। तो 100 आया तो मींस कितने जीरो आए आपके, 2 जीरोस आए, तो 2 डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा, तो मींस इसका आंसर क्या आएगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका 125 को जब 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 15625। फिर इसको 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 जो होता है वो कितना होता है 100, तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू है उसके 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 25 को छोड़ के पॉइंट लग गया 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके आगे है थर्ड क्वेश्चन, वो भी आपके सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, उसके भी कुछ पार्ट्स आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10, 1.3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 10 के साथ, तो कैसे करेंगे 1.3 अपॉन 10, ठीक है 13 लिख लिया, डेसिमल का लग गया 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो उसके लिए क्या लग गया 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में हमने चेक करना है, हम क्या कर सकते हैं इसको, एक तरीका है 13 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और 10 के साथ डिवाइड कर दें। अब यहाँ तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 13 और 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमने देखा है कि अगर सेम टर्म्स रहती हैं, सेम वैल्यूज रहती हैं, तो वो कैंसिल भी हो सकती हैं, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट है 36.8 मल्टीप्लाई 10, इसका सॉल्यूशन देखिए 368 अपॉन पॉइंट का लग जाएगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसके लिए 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, न्यूमरेटर में भी 10 डिनोमिनेटर में भी 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया 368। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ, 153.7 मल्टीप्लाई 10, इसका सॉल्यूशन देखिए 1537 अपॉन
पॉइंट का लग गया 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 और 10 कैंसिल हो गए, इसका भी सोल्यूशन आ गया 1537। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट है 168.07 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 16807 अपॉन पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है तो मींस 20 मल्टीप्लाई 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 16807 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, तो घर में प्रैक्टिस कीजिए और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी पार्ट जो हैं वो इसके अटेम्प्ट कीजिए खुद से। कोई भी परेशानी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर। एक टू व्हीलर है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 50.53 किलोमीटर का, 55.3 किलोमीटर का इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मींस 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स। तो अगर 10 लीटर पेट्रोल होगा तो उसमें कितना डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। अगर 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है टू व्हीलर, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट का किस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 10 लीटर में कितना होगा, तो क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 55.3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अगर 1 लीटर में 55.3 हो रहा है तो 10 लीटर में क्या हो जाएगा, 10 जो है वो 55.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए 553 अपॉन डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही है, तो 0 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 और 10 कैंसिल, तो मींस 553 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो टू व्हीलर कवर करेगा 10 लीटर पेट्रोल के साथ। अगर 1 लीटर उसके अंदर पेट्रोल है तो उससे वो 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अगर 10 लीटर पेट्रोल होगा तो उससे कितना डिस्टेंस कवर होगा, 553 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 553 किलोमीटर। ऑलराइट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। पहले जो हमने क्वेश्चन देखे वो एक तो डेसिमल नंबर था और उसके साथ एक सिंपल नंबर दिया हुआ था आपका, बिना डेसिमल वाला नंबर। अब इसमें जो है वो दोनों डेसिमल्स वाले नंबर हैं और दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 2.5 है, इसको डेसिमल को हटा के नंबर लिख लेंगे 25 अपॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 अपॉन पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही है, जो क्या है 3 है, तो उसके लिए भी क्या लग जाएंगे, एक डिजिट है, तो 10 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3, जो न्यूमिरेटर वाली टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 25 इंटू 3 जो होता है वो होता है आपका 75 अपॉन 10 इंटू 10 100। 100 है तो 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा न्यूमिरेटर में, तो क्या आ जाएगा, 0.75 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, 1 अपॉन पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 517 अपॉन पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, ये भी
तो 517 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, ये 5 और 517 और 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में 10 और 10 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे इक्वल टू 517 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 517 ही आएगा अपॉन 10 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, तो 100 आएगा। तो 100 है, 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 5.17, ये 2 डिजिट छोड़ दिए और उसके बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है। इसके बाद है थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। फोर्थ पार्ट क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, इसका देखिए सॉल्यूशन, 13 अपॉन 10 पॉइंट का 1, और उसके बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक के लिए एक जीरो मल्टीप्लाई 31 अपॉन पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है जो 1 है, उसके लिए भी क्या लग जाएगा, एक जीरो इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 31 न्यूमिनेटर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, और 10 मल्टीप्लाई 10 डिनोमिनेटर वाले। तो 13 इंटू 31 जो है वो होता है 403 अपॉन 100। तो देखिए 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 4.03, ये 2 डिजिट छोड़ दिए, कौन कौन से, 3 और 4 को छोड़ दिया, और उसके बाद लग गया हमारा पॉइंट, 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, इसका सॉल्यूशन देखिए, 5 अपॉन 10 पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक जीरो मल्टीप्लाई 5 अपॉन पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, एक तो ये जीरो है और दूसरा ये 5 है, ठीक है, तो 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरोज आ जाएंगे इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, और 100 इंटू 10 कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। अब देखिए 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 ही हैं, एक वन्स प्लेस पे है, एक टेंस प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे तो हमारे पास कोई नंबर जो है वो है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 025.0 कर देंगे। अब देखिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगना था, तो 1, 2 और 3 डिजिट छोड़ के यहां पे पॉइंट लग दिया, मींस अगर आपके पास न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड नंबर में उतने ज्यादा डिजिट्स नहीं है, तो हम उसके आगे जो है वो जीरो का यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट, तो इसके बाकी पार्ट्स जो है वो आप इसी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आए तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर सॉल्व की जाएंगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।